दोस्तों, हमारे आसपास कई ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन हमें पता नहीं इससे ना ही उनकी प्रतिभा कभी कम होती है और ना ही उनका बढ़पन। वो अपने काम से और प्रतिभा से हमेशा नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहते हैं। मैं आपका दोस्त अनिकेत आप सभी का स्वागत करता हूँ। चर्चा में आज बात करेंगे ऐसे ही प्रतिभावान व्यक्तित्व बंगाली फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता के बारे में और जानेंगे उनके भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में भी। 77 वर्षीय नामचीन निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता का 10 जून 2021 को कोलकाता के अपने घर में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे। चर्चा में आज बात करेंगे उनके कार्य और प्रतिभा के बारे में। 1944 में पुरुलिया में जन्मे बुद्धदेव दास गुप्ता जी ने अपनी पढ़ाई स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से पूरी की और अर्थशास्त्र के लेक्चरर के रूप में अपना चरितार्थ शुरू किया। लेकिन अपनी कला के प्रति लगाव को देखते उन्होंने अपना रुख फिल्मों की तरफ किया। 1960 के दशक के अंत में उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू किया। 1968 में द कॉन्टिनेंटल ऑफ लव ये डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई। 1978 में बनी दूरत्व उनकी पहली फीचर फिल्म थी जिसकी काफी सराहना हुई और उसके साथ फेरा, बाग बहादुर, दादर कथा, चराचर, उत्तरा, मोंडोमेयर उपाख्यान, काल पुरुष जैसी फिल्में बनाकर बंगाली सिनेमा के साथ साथ भारतीय सिनेमा को वैश्विक पटल पर रोशन किया। फिल्मकार होने के साथ साथ वो एक अच्छे कवि भी थे और इसीलिए वास्तविकता के साथ एक प्रकार की काव्यात्मकता उनकी फिल्मों में प्रकट होती है। जैसे कि 12 नेशनल अवार्ड्स, जिनमें 5 बार बेस्ट फीचर फिल्म्स के तौर पर नेशनल अवार्ड्स, 2 बार बेस्ट डायरेक्टर के लिए नेशनल अवार्ड्स, 3 बार बंगाली में बेस्ट फीचर फिल्म्स के लिए नेशनल अवार्ड्स, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट कलात्मक सांस्कृतिक फिल्म, 2 बार बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बेयर अवार्ड्स के लिए भी उनका नामांकन हुआ। सन 2007 में एथेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन अथेना अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया तथा स्पेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल माद्रिद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनका सम्मान किया गया। वर्ष 1991 में इस्तांबुल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बाग बहादुर के लिए उन्हें स्पेशल जूरी प्राइज से सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में 93 कॉन्टिनेंट्स फेस्टिवल में उनकी मूवी उत्तरा ने ऑडियंस अवार्ड जीता। वर्ष 2001 में ब्रिस्बेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विशेष उल्लेखनीय सम्मान से फिल्म उत्तरा को सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के 2 बार प्रमुख रहे हैं तथा वर्तमान में एकेडमी अवार्ड के परीक्षक बोर्ड का भी वो हिस्सा रहे हैं। इतने प्रतिभाशाली निर्देशक और कवि का निधन होना प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत का भारी नुकसान है। टीम सत्यान्वेषी इस महान निर्देशक को नमन करती है।